वो बीसी समाज से हैं, बड़ी संख्या में वो मंत्री परिषद में उन सम्मान प्राप्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों द्वारा। इसके बाद महिला मंडल पढ़े मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िए होंगे। Hello, मैं हूँ आपको दोस्त प्रोफेशनल गांव वाला, और अभी फिलहाल मैं हूँ भाई टैक्सी स्टैंड में। यहाँ पर भाई कल जयराम जी और प्रकाश राणा जी आने वाले हैं, और हमारा जो प्रोग्राम होगा वो होगा इस साइड। तो ये देखो, ये अध्यक्ष जी बढ़िया तैयार हो गया है, लेकिन ये नहीं, ये तैयार होना तो है, अच्छा पहनने हैं अभी। और भाई भाई बढ़िया बढ़िया, देखो ये ऑथ लेने वाले हैं जी अंजलि जी, और ये हैं भाई महासचिव महासचिव हेलो गाइस, और ये हैं भाई दूसरे ऑथ लेने वाले ये आभा, ये आभा नाम है इसका भी फिलहाल के लिए। और ये कल का होगा भाई, जो जयराम जी आ रहे हैं, बढ़िया सेटअप हो रहा है इधर, बढ़िया आराम से। तो भाई नीरज सर भी बिल्कुल बढ़िया तैयार हो गए भाई, क्या लग रहे हैं। और ठीक है ठीक है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है भाई, अभी अंदर रेडी हो रहे हैं लड़कियां वगैरह, और यहाँ पर भाई हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखो भाई सब बढ़िया तैयार हो गए हैं, सब बढ़िया। ये हमारे अध्यक्ष जी ये देखो भाई अंजलि, और डांसर हमारे पीछे। तो यार अभी थोड़ी देर एक आध दीवार प्रैक्टिस कर लेते हैं, बिकॉज हमें नहीं चाहते कि थोड़ी सी भी गलती हो किसी से। तो सुनो वे प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार ना, फिर से कर लेते हैं। तो फोटो फोटो ले तो भाई फोटो। तो सर अभी भाई प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर स्पीच की। सो भाई हमारी फाइनल जो रिहर्सल थी वो हो गई है, अब सीधा स्टेज में जाना है भाई। चलो भाई चलते हैं। सो आई थिंक भाई वो आ गए हैं भाई, शायद चीफ गेस्ट नहीं, इन्हें अभी तक नहीं आए हैं। जय श्री राम, स्वागत है भाई, स्वागत है। अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आज बहुत बड़ी संख्या में महिला सांसद मंत्री बनी हैं, बहुत बड़ी संख्या में दलित और पिछड़े समुदाय से संबंधित मंत्री बने हैं, काफ़ी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं,
वो बीसी समाज से हैं, बड़ी संख्या में वो मंत्री परिषद में उनको मौका मिला। उनका परिचय करवाने में मुझे आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, नवनियुक्त मंत्रिमंडल के सदस्यों को सदन में परिचित समझा जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, नवनियुक्त और राजमंत्रियों की सूची सदन के पटल पर रखें। मैं सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 2, निधन संबंधी उल्लेख। माननीय सदस्यगण, मुझे अंतिम दुख के साथ अपने एक साथी के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री राम स्वरूप शर्मा 17वीं और 18वीं सभा के सदस्य रहे। वे हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से 2 बार सांसद चुने गए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप और सभी मान्य सदस्यों द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में स्वयं को भी शामिल करता हूं। श्री राम स्वरूप जी न सिर्फ पार्टी के निष्ठावान नेता थे, बल्कि एक जिम्मेदार सांसद और अच्छे शिक्षाविद भी थे। उनके द्वारा नशा उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए किया गया हर एक कार्य उल्लेखनीय है। माननीय महोदय जी, मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं प्रेषित करने में स्वयं को संयोजित करना चाहता हूं। नेता विपक्ष, माइक दो इनको, माइक दो। याद किया जाएगा दिवंगत आत्मा को हमारी ओर से श्रद्धांजलि। ठक ठक करो। अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। खड़े जाओ सर। प्रश्न का आरंभ किया जाए। प्रश्न संख्या 101, संगीता देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि तकनीकी विकास के क्षेत्र में हमारा देश आसमान की ऊंचाइयाँ छू रहा है, ये तो पूरा देश जानता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। तकनीकी विकास के नाम पर सरकार मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया का नाम लेकर जनता को विशेषकर आम जनता को चक्कर में डाल रही है। आप कृपया प्रश्न पर आइए। जी महोदय जी, जैसे कि आधार कार्ड बनाने के लिए लोगों की करीब सभी जानकारियां ली जा रही हैं और इस पर हमला होने से बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। आज भी देश में एक बड़ी आबादी है जिसने अभी तक कंप्यूटर तक नहीं देखा, तो इस हालात में सरकार जो योजनाएं बनाती है उसे साकार किया जा सकता है। माननीय महोदय, जो आपने सवाल उठाया है उस पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए ही सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कागजी कार्रवाई को घटाकर सरकार की सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना है। महोदय, यह एक ऐसी योजना है जिसे सेवा प्रदाता और उपभोक्ता दोनों को फायदा मिलता है। विश्व के जानकार देशों के साथ भारत को एक संपूर्ण सशक्त डिजिटल भारत में बदलना है और यही सरकार की मुख्य उद्देश्य है। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। आज भी भारत में कई हिस्से आर्थिक रूप से शैक्षणिक है और पिछड़े हुए हैं, ऐसे क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया योजना को कैसे साकार किया जा सकता है? इस प्रश्न को सुनकर मुझे एक गाना याद आ रहा है जिसके बोल कुछ इस तरह है, छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। माननीय सदस्य,
इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है तथा लोगों को अनेक अभियानों के द्वारा इस बारे में जागरूक किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 102 आभा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर सरकार ने जो योजना शुरू की है, शहरी विकास मंत्रालय की ओर से जो प्रयास इस दिशा में किए जा रहे हैं, उसकी स्थिति क्या है? मंत्री जी उठिए। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूँ कि 2 अक्टूबर 2019 को स्वच्छ भारत की औपचारिक घोषणा की गई थी। उस दिन हमने यह बताया था कि यह केवल सरकार का कर्तव्य नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। 2 अक्टूबर 2019 को बापू जी की 150वीं जयंती के अवसर पर हमने उनके स्वच्छ भारत के सपने को पूर्ण करने का निर्णय किया था। इसलिए हमारी आप सबसे यही विनती है कि इस अभियान को राजनीतिक कृष्णे से नहीं जोड़कर आप इसे देशभक्ति और जनस्वास्थ्य के प्रति कटिबद्धता से जोड़कर देखें। अगर 125 करोड़ देशवासी यह तय कर ले कि हम गंदगी नहीं फैलाएंगे तो यह तो कोई वजह नहीं होगी कि हम हमारा देश रोग मुक्त ना हो। एक कदम स्वच्छता की ओर, यही मेरा नारा है, यही हमारा संकल्प है। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? नो मैम। नाउ क्वेश्चन आर इज ओवर। माननीय शिक्षा मंत्री, बिल को पेश किया जाए। मैं बिल को पेश करती हूँ। अब यूनिफॉर्म करिकुलम के फ्रॉम वर्क बिल सदन को एक विचार विमर्श के लिए लिया जाता है। शिक्षा मंत्री प्लीज। माननीय सभापति महोदया, मैं आज देश की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक UCF को सदन में पेश करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैडम, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार है, तो इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता पर राज्यों की सीमाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरे देश में एक समान सिलेबस होना चाहिए, एक समान पाठ्यक्रम का होना समय की जरूरत कहलाता है। शिक्षा की प्रक्रिया में बच्चों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। धारा 1 के तहत ये पूरे देश में शिक्षा के एक समान पाठ्यक्रम के बारे में निर्देशित करता है। धारा 2 के तहत सभी स्कूल सरकारी, केंद्रीय एवं राज्य दोनों, गवर्नमेंट एडेड एवं प्राइवेट सभी उसी पाठ्यक्रम के लागू करेंगे। धारा 3 के तहत CBSE और NCERT दोनों एक समान पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे। धारा 4 के तहत इस नए पाठ्यक्रम की शुरुआत तथा नियमित अंतराल के पश्चात शिक्षकों की ट्रेनिंग NCTE माने नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा करवाई जाएगी। महोदया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन के सभी सदस्य लोकहित को ध्यान में रखते हुए इस बिल को पूरे दिल से अपनाएंगे। इस प्रस्ताव से पूरे देश के पाठ्यक्रम के एक रूप लाई जा सकती है। इस प्रस्ताव की रूपरेखा विचार विमर्श के लिए समर्पित है। मान्य सदस्यों, यूनिफॉर्म करिकुलम फ्रेमवर्क बिल को विचार विमर्श के पश्चात वोटिंग के लिए पेश किया जाता है। बिल इज पास। आज की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
अभी आदित्य एकेडमी के जो छात्र हैं वो सम्मान प्राप्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय के कमलों द्वारा। इसके बाद महिला मंडल पटायन, महिला मंडल पटायन प्लीज मंच पे आए। महिला मंडल भाई में प्राइस वगैरह मिला अभी बढ़िया और नीरज सर हमारे सर आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने स्थान पर यथावत बने रहें। चंद ही क्षणों में हम यहाँ पे आज का क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो ये मीठा भाई मैं चौथी वाले रहा हूँ भाई मज़ा आ रहा है भाई, आप भी खा लो लोग।